दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उससे कुछ ही समय पहले मैं उत्तराखंड से लौटा हूं और उत्तराखंड के अपने 3-4 दिनों के प्रवास में मैंने वहां के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों से मुलाकात की और मैंने जानबूझकर राजनीतिक दलों के नेताओं से, बड़े नेताओं से मुलाकात जरूरत इस बार नहीं समझी। बाद में कभी इलेक्शन नजदीक होंगे तो जरूर उनसे भी मिलेंगे। इस बार हमने समाज के लोगों से मुलाकात की, समुदाय के लोगों से मुलाकात की, आम लोगों से मुलाकात की और साथ में जो कम्युनिटी लेवल पर यानी सामुदायिक लेवल पर जो बहुत सक्रिय लोग हैं, जिनकी पहचान है पंचायतों के थ्रू हो या स्थानीय स्तर पर राजनीतिक एक दलबंदियां जो होती हैं अलग अलग पार्टियों की, उसमें जो सक्रिय लोग हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, महिलाएं हैं, इन लोगों से हमने काफी बातचीत की। हमें कुछ बड़े दिलचस्प फीडबैक मिले। पहली बात तो एक हमें ये समझ में आई कि उत्तराखंड में इस वक्त जितनी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने वाली हैं, वो सभी कमोबेश पार्टियां एक ही तरह के मूड में हैं, एक ही तरह के एजेंडे को लेकर चुनाव लड़ रही हैं और वो एजेंडा है जो आरएसएस बीजेपी के काफी नजदीक है, यानी हिंदुत्व एजेंडा। अब बड़ी दिलचस्प ये बात है। आप कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं गांव से लेकर कस्बे और शहर तक घूम के आ रहा हूं और ये कहानी उत्तराखंड की असलियत है। आम आदमी पार्टी, उसके जो टॉप लीडर हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनका राजनीति में प्रादुर्भाव ही हुआ है भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए और लोकपाल बनाने के लिए, ये दो मुद्दे थे। लेकिन अभी उनका सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में क्या है, उनका मुद्दा आप सुनिए उन्हीं के शब्दों में। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर हिंदुओं का आध्यात्मिक केंद्र बनाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं जो देहरादून में कुछ ही समय पहले अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह में, संभवतः वो जब गए थे दूसरे या तीसरे सप्ताह में, तो उन्होंने ये ऐलान किया था। उन्होंने एक आर्मी से रिटायर्ड एक सज्जन को अपना मुख्यमंत्री का एक दावेदार पेश किया था और साथ में कहा था कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वैश्विक स्तर पर जो हिंदू लोग हैं उनका वो एक आध्यात्मिक केंद्र बना देंगे उत्तराखंड को। अब सवाल इस बात का है कि उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन हिंदू हैं, और नॉन हिंदू की बात छोड़िए, संविधान में राजनीतिक दलों पर कुछ जो मर्यादाएं, राजनीतिक दल वैसे तो शब्द भी शुरू के दौर में हमारे संविधान में नहीं था, लेकिन एक जो मर्यादा है राजनीति की, शासन की, गवर्नेंस की और स्टेट का जो रिलेशनशिप है रिलीजन से, संविधान में उन चीजों को बहुत साफ ढंग से रखा गया है। और वो चीज है कि भारत में जो राजनीतिक दल हैं वो किसी धर्म विशेष के नाम पर, किसी जाति विशेष के नाम पर, किसी भाषा विशेष के नाम पर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन यहां डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि वो एक धर्म विशेष के लोगों का एक नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क बनाएंगे या कि एक आध्यात्मिक केंद्र बनाएंगे। ये आम आदमी पार्टी जो करप्शन खात्मे के लिए, लोकपाल लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी जो शासन में लाने के लिए जिसका एजेंडा था, उस पार्टी का ऐलान है। और कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी यात्राओं में परिवर्तन यात्राओं कर रहे हैं कि परिवर्तन हो जाए, और उस यात्रा में भी वो साफ हिंदुत्व लेकर चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व केवल उन्हीं की बपौती नहीं है, यानी बीजेपी की, उन्हीं का केवल इस पर हम उनकी उन्हीं को केवल हम वो नहीं मैनिपुलेट करने देंगे या मोनोपोलाइज करने देंगे। एक अधिकार हिंदुत्व पर उन्हीं का नहीं है, हम सबका हिंदुत्व है। तुम राम कहोगे तो हम भोलेनाथ कहेंगे। ये सारे शब्द जो है कांग्रेस नेताओं के मुंह से निकले हैं उनकी यात्राओं के दौरान और तमाम सभाओं के दौरान। अभी खटीमा से वो यात्रा निकली पिछले दिनों, और भी कई यात्राएं निकल रही हैं। वहां काफी फैक्शनल फाइट है कांग्रेस पार्टी में, तो कई नेता अलग अलग ढंग की यात्राएं निकाल रहे हैं और कमोबेश सभी यात्राओं में जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो बहुत प्रमुखता से उभर रहा है।
कि हिंदुओं के पैरोकार, हिंदुओं के जो प्रवक्ता, वो सिर्फ बीजेपी नहीं है, हम भी हैं, ये जताने की कोशिश। और दोस्तों यही हाल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, अचानक एक दिन देखा हम लोगों ने, आप पूरे देश ने देखा कि वो पार्टी जो ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, जो करप्शन फ्री सोसाइटी की बात करती है, जो अच्छा गवर्नेंस की बात करती है, उसके दो टॉप लीडर आम आदमी पार्टी के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया साहब और संजय सिंह साहब, राज्यसभा के मेंबर समाजवादी पृष्ठभूमि के संजय सिंह, ये लोग आम आदमी पार्टी के जितने यूपी के बड़े नेता हैं सबके साथ अयोध्या में मत्था टेकने पहुंच गए। और वहां पर पूरी रामनामी चादर ओढ़े हुए, बड़े बड़े फूल गुलदस्ते और माला पहने हुए, टीका लगाए हुए, वो बिल्कुल किसी विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह वो उसका प्रदर्शन करें। ठीक है, अगर आप हिंदू के रूप में पैदा हुए हैं, आपका बिल्कुल आपका ये नैतिक और आपका धार्मिक अधिकार है कि आप उपासना करें, आप अपने हिसाब से कर्मकांड भी कर सकते हैं, लेकिन आडंबर क्यों, दिखावा क्यों, उसको पब्लिक एग्जीबिशन क्यों? हमारे देश के नेताओं का ये जो पब्लिक एग्जीबिशन जो धर्म को लेकर है, जो संप्रदाय को लेकर है, वो संवैधानिकता के जो मूल्य है कहीं ना कहीं उसका निषेध करता है। क्यों? क्योंकि हमारी संवैधानिकता यह है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, वो सभी के लिए बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आरएसएस तो ये बिल्कुल नहीं चाहता और वो डंके की चोट पर कहता है। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने टॉप लीडर हैं, वो सभी पॉलिटिकल पार्टी से देश की तीन एक पार्टियों को छोड़ दिया जाता, दो तीन पार्टियों को, तो इनके अलावा बहुत ही खुश हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनके एजेंडे के आसपास आ गए हैं, सभी उनके हिंदू राष्ट्र को एक तरह से उसको रास्ता दे रहे हैं, उसको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसा लगता है कि जब आरएसएस 2025 में या 2030 में जब भी वो चाहें, अगर सत्ता उनको मिलती रही और वो संवैधानिक स्तर पर भी भारत के संविधान को डिसोन करते हुए हिंदू राष्ट्र का डंका पीटेंगे, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टी हरी झंडी दिखाएंगी या भगवा ध्वज लहराएंगी। ये नौबत पैदा होती जा रही है और यही कारण है कि आरएसएस कांग्रेस से भी खुश है। मोदी जी जरूर कहते हैं कि उनको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, अमित शाह जी भी कह देते हैं, लेकिन आरएसएस ने आज तक कांग्रेस मुक्त भारत की बात कभी नहीं कही। आप बल्कि इस पर आप देख लीजिएगा, आरएसएस ने इस पर क्लेरिफिकेशन भी दिया था कि ये उसकी लाइन नहीं है। और ममता बनर्जी जिन्होंने बीजेपी को बुरी तरह परास्त किया बंगाल में, लेकिन आरएसएस की टॉप लीडरशिप ममता बनर्जी की जीत से बहुत नाखुश नहीं थी, बल्कि खुश थी। चंडी पाठ, ममता बनर्जी का चंडी पाठ बहुत पसंद आया आरएसएस को। यही नहीं, ब्राह्मण पुत्री अपने को कहना या ब्राह्मण कन्या के रूप में प्रचार हुआ, जो काफी काफी हद तक हुआ। और ये सब जो चीजें ममता बनर्जी और टीएमसी ने अपने चुनाव प्रोपेगेंडा के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान किया, उससे काफी खुश था आरएसएस। तो ठीक है कि बीजेपी जीत जाती तो खुशी थोड़ी और होती, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आरएसएस को ममता बनर्जी की जीत से कोई नाखुशी या कोई ऐसा कोई दुख नहीं हुआ। उनको लगा कि ममता बनर्जी उनके एजेंडे के काफी करीब आ रही है। चंडी पाठ, हनुमान चालीसा वगैरह वगैरह सब बातें की गई थी। तो मेरा ये कहना है कि वैसे भी ममता बनर्जी एनडीए का एक समय पार्टनर रही, आप हम सभी जानते हैं। तो आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक आप घूमते जाइए तो आपको केवल केरल में लेफ्ट मिलेगा जो आरएसएस के एजेंडे के बिल्कुल उलट खड़ा है, यानी वो सेकुलर इंडिया के अभी भी साथ है, अभी भी वो संवैधानिकता के साथ है। और दूसरी एक तरफ है तमिलनाडु, जहां इस समय एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, डीएमके के नेता, एक तो वो बुरी तरह आरएसएस के हिंदुत्व एजेंडा को खारिज करते हैं और वो संवैधानिक भारत की और सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया के पक्षधर ही नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की का जो झंडा है पूरे देश में फहराए, ये उनकी थीसिस है। ले देकर नवीन पटनायक भी खुल करके आरएसएस के एजेंडे को या हिंदुत्व के एजेंडे को बार बार प्रचारित तो नहीं करते हैं, लेकिन एक मुद्दे पर वो बीजेपी के बड़े करीब हैं और वो है प्रो कारपोरेट पॉलिसीज। प्रो कारपोरेट पॉलिसीज के मामले में वो भले ही प्रो हिंदुत्व उस तरह से ना हो, उतना बड़ा मुद्दा उड़ीसा में ना हो अभी, लेकिन बीजेपी ने उड़ीसा में प्रो हिंदुत्व एजेंडा लेकर के नवीन पटनायक को काफी मुसीबत में डाला है। तो कारपोरेट के मुद्दे पर बीजेपी और नवीन पटनायक की पार्टी लगभग एक साथ खड़ी है, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे पर थोड़ा सा अभी फर्क है।
लेकिन उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, आम आदमी पार्टी जो वहां पर चाहती है कि इस बार चुनाव में मैदान में उतरे, वो डंका बजा रही है कि वो हिंदुत्व एजेंडा के साथ आएगी। जैसे उत्तराखंड में हिंदुत्व एजेंडा उसका है, बीजेपी को काउंटर कर रही है, बीजेपी से कह रही है कि हम ज्यादा बेहतर हिंदू हैं, हम तो पूरा ग्लोबल लेवल पर हिंदुओं का इसको सेंटर बनाएंगे। अब हमसे कई ऐसे लोग मिले कुमाऊं रीजन में खासकर, जो कह रहे हैं कि भाई यहां का दलित जो है, दलित आबादी बहुत कम लोगों को मालूम है कि उत्तराखंड में बहुत बड़ी आबादी है, 20% और 25% के बीच आंकी गई है, अगर हर तरह के अगर 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 दलित समाज को लिया जाए, उसमें बड़ा हिस्सा ऐसे दलित लोगों का है जो हिंदुत्व जो 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 पॉलिटिक्स है या जो हिंदुत्व का पूरा जो एक कंपोनेंट है हमारे देश की राजनीति में, यहां तक कि धार्मिकता में, उसको डिसोन करता है। बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धिज्म को मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने ढंग से भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के साथ हैं, लेकिन वो हिंदुत्व एजेंडे के बिल्कुल साथ नहीं है। कुछ एक नेता जरूर हैं बीजेपी में जो हिंदुत्व एजेंडे के साथ हैं और वो दलित समाज से आते हैं। इसी तरह से ट्राइबल लोगों के अपने भगवान हैं, अपने कर्मकांड हैं, अपने रिचुअल्स हैं, वो कुल मिलाकर के वृक्षों की, प्रकृति की और तमाम जानवरों की, अलग अलग ढंग के पक्षियों की, उनकी पूजा करते हैं, उनके साथ उनका सानिध्य ज्यादा है। बहुत सुदूर के इलाकों में ऐसे ट्राइबल लोग काफी हैं। ठीक इसी तरह से ओबीसी समाज भी है, ओबीसी समाज थोड़ा संख्या में जरूर कम है, लेकिन उसमें भी अभी देखा जा रहा है कि हिंदुत्व का जो एजेंडा है काफी उसमें स्थापित हुआ है, काफी बहुत गहराई तक पेनिट्रेट किया है। तो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी, ये तीन पॉलिटिकल पार्टी उत्तराखंड में हिंदुत्व के एजेंडे को कोई हार्ड, कोई साफ, कोई कठोर, कोई बिल्कुल कट्टर और कोई लिबरल, इस तरह का एक अप्रोच लेकर के वो काम कर रहे हैं उत्तराखंड में। अब उत्तर प्रदेश में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी कहलाती है, जिस पार्टी का एजेंडा जो था कांशी राम जी ने जो दिया था, वो अलग नारे थे उनके, और उन नारों को मैं रिपीट यहां नहीं करना चाहूंगा, सभी जानते हैं कि वो गणेश को लेकर क्या कहते थे, हाथी को लेकर क्या कहते थे, लेकिन अब उलट गया है, अब वो एजेंडा ही बदल गया है। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मानती है कि ब्राह्मण समुदाय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव में, तो वो ले देकर, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय के पास अगर आप जाएंगे तो आपको हिंदुत्व का निषेध नहीं करना होगा, आप हिंदुत्व पर अटैक करके ब्राह्मण समुदाय को कैसे अपने साथ अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने कंप्रोमाइज ही नहीं किया है, सरेंडर कर लिया है, और उसके नेता टीका लगाने लगे हैं, त्रिशूल उठाने लगे हैं, घड़ा और घंटाल बजाने लगे हैं, घड़ियाल बजाने लगे हैं, ये बीएसपी ने किया है। समाजवादी पार्टी पर आ जाइए, समाजवादी पार्टी, समाजवाद उसका नाम है समाजवादी पार्टी, लेकिन अगर आप देखिए तो कॉर्पोरेट से लेकर और धार्मिकता से तक लगभग वो काफी हद तक साफ हिंदुत्व के करीब आ गई है ये पार्टी। इस पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता अगर आप देखिए, वो भी अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं, बुझाते हैं कि भाई इस वक्त हमको ममता बनर्जी की जो लाइन है वो एडॉप्ट करनी पड़ेगी, और कई ऐसे उनकी जो गोपनीय मीटिंग्स हैं या उनकी जो कैडर मीटिंग्स होती हैं, उसमें ये समझाया भी जा रहा है लोगों को कि कैसे ममता बनर्जी ने जो बंगाल में इलेक्शन में सफलता पाई है, उसके पीछे कारण ये था कि उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाया। तो हिंदुत्व एजेंडे पर जो पोलराइजेशन बीजेपी की पॉलिटिक्स है, उसको हम नॉक करने दें और हिंदुओं को खुश रखें, यानी हिंदुओं को हिंदू बनकर खुश रखें, उनके लिए प्राइमरी स्कूल, उनके लिए हेल्थ केयर सेंटर, उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छे रिफॉर्म्स, उनके लिए लैंड रिफॉर्म्स, उनके लिए रोजगार, इन पर उतना ध्यान न दिया जाए जितना कि हिंदू संवेदनाओं को, हिंदू भावनाओं को थोड़ा सहला दिया जाए। तो इस तरह का अप्रोच लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज का है। तो अब सवाल इस बात का है कि भारत जो आज के दौर में पूरी तरह बेरोजगारी से ग्रस्त है, जो बीमारी से ग्रस्त है, जो स्वास्थ्य की पूरी जो व्यवस्था है वो कैसे कोलैप्स कर गई है, हमने कोरोना दौर में देखा, एजुकेशन कैसे टोटल प्राइवेटाइज हो रही है, हिंदुस्तान अपने देश में, अपने भारत में 87% से ज्यादा जो है प्राइवेटाइजेशन जो है हमारा चिकित्सा क्षेत्र का हो चुका है, इन क्षेत्रों पर, इन मुद्दों पर ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का कोई ध्यान नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बात को भी बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है कि जो हमारे मुल्क में
पब्लिक सेक्टर इतना स्ट्रांग था, आज उसको किस तरह से टोटल पोलराइज, टोटल प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हर क्षेत्र में, तेल हो चाहे डीजल हो चाहे, हर क्षेत्र में आप देखिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर चीजों को प्राइवेटाइज न किया जा रहा हो। गैस का क्षेत्र ले लीजिए, पानी का, बिजली का, हर क्षेत्र में। तो ऐसे में जो कुल मिलाकर जो अभी शक्तियां दिखाई दे रही हैं, और कांग्रेस पार्टी पर मैंने थोड़ा कम बोला, जम्मू कश्मीर में अभी राहुल गांधी जब गए, खासकर जम्मू में, तो वो वैष्णो देवी मंदिर की बात छोड़िए, वो तो कई मंदिर में जा चुके हैं। अनेक जब भी कहीं जाते हैं तो आजकल वो मंदिरों की परिक्रमा जरूर करते हैं। मध्य प्रदेश में जब चुनाव था पिछली बार, राजस्थान में, तब भी उन्होंने ऐसा किया। क्या फल मिला वो हम सब जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, उन्होंने कहा कि मैं तो कश्मीरी ब्राह्मण हूं और कश्मीरी पंडित हूं, और इसलिए उनका इशारा था कि कश्मीरी पंडितों की के दुख दर्द को वो ज्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं। इस तरह का बयान उनके सलाहकारों ने उनके मुंह से कहलवाया, या स्वयं उनकी अंतरात्मा से ये बात निकली। तो अब ये जो स्टेटमेंट है वो तो मैं नहीं समझता कि कोई कंसिस्टेंट सेकुलर पार्टी जो संवैधानिकता में यकीन करती हो, उसके टॉप लीडर, टॉप नेता इस तरह की बात कहें। तो कांग्रेस पार्टी भी ठीक है कि अभी तक उन्होंने BSP की तरह या आम आदमी पार्टी की तरह खुले ढंग से कर्मकांडी एक हिंदुत्व को भले ही नहीं अपनाया हो या अभी तक न दिखाया हो, पहले तो अपना ही चुकी है, हमेशा अपनाती रही है ये पार्टी। ये तो आजादी की लड़ाई के दौरान भी करती, जिसके बहुत टॉप लीडर तमाम तरह के कर्मकांड करते थे और उसके बाद भी करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मैदान में कहां तक ये पार्टी जाएगी कोई ठिकाना इसका भी नहीं है। तो ले देकर दोस्तों, हमको ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन की जो शक्ति है, जो सामाजिक शक्ति है, राजनीतिक जो शक्ति है, इसको छोड़ दिया जाए, लेफ्ट पार्टीज को छोड़ दिया जाए, जिनका केवल केरल में एक जनाधार ठीक से बचा है और कहीं उस तरह का स्ट्रांग बेस नहीं है, छिटपुट जो कुछ पॉकेट्स हैं। लेकिन इनके अलावा केवल एक तमिलनाडु है जहां DMK स्ट्रांग एक फोर्स है। तो मुझे लगता है कि भारत में किसान आंदोलन की राजनीतिक ताकत जो पंजाब में है और हरियाणा में कुछ क्षेत्रों में है, वेस्ट यूपी में है और भी कई क्षेत्रों में है, दक्षिण में भी कई राज्यों में है, और ले देकर जो केरल में एक लेफ्ट है और इसके अलावा जो DMK है, यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आज की तारीख में एक संवैधानिकता के पक्ष में खड़ी हैं, जो भारत का संविधान कह रहा है। तो ये जो स्थिति है, RSS वाकई खुश है, बहुत खुश है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से खुश है। इसलिए वो कांग्रेस मुक्त शासन, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कभी नहीं करता, वो आम आदमी पार्टी मुक्त भारत की बात कभी नहीं करता, या आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली की भी बात नहीं करता। वो सपा को भी चाहता है, बसपा को भी चाहता है। जब सारी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बन रही है तो उसको हैरानी किस बात की है, उसको तो खुशी है कि चलो यही अच्छा है, कम से कम वो हिंदुत्व की लाइन पर सबको ला रहे हैं धीरे धीरे, कोई ज्यादा कोई कम, कोई बी टीम, कोई सी टीम, कोई डी टीम, कोई एफ टीम। तो ये सिलसिला है जिससे RSS को प्रसन्नता है, खुशी है कि भारत की वे पॉलिटिकल पार्टी जो एक दौर में उसको कम्युनल कहा करती थी, वो अब उसके एजेंडे के नजदीक आ रही है। तो आज मैं यही कहना चाहता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।